असल माई नीम इज़ अफ्ता बर्ड एंड आई एम ए सी एस एस एंड पी एम एस क्वालिफायर आई ऑल्सो राइट फॉर सी एस एस इकडामिक मैगजींस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफ पी आर इंस्पेक्टर के टेस्ट के हवाले से कुछ सैम्पल कोश्चन्स का मतलब आप लोगों को जस्ट टू गिव यू पीपल एन आइडिया कि किस तरह के कोश्चन्स आएँगे आपके एफ पी आर इंस्पेक्टर के पेपर में आ, कुछ सैम्पल कोश्चन्स मैंने बनाए हैं अच्छा सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि Uh, मैंने एक वीडियो बनाई थी एफ इंस्पेक्टर पर पहले भी और उसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे बार बार एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया पूछ रहे हैं कि ये ये इस क्वालिफ़िकेशन वाला शख्स एलिजिबल है या नहीं तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है उसमें कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में इकनॉमिक्स में कॉमर्स में स्टैट्स में या लॉ में तो ये पाँच डिग्रीज़ के अलावा कोई और शख्स एलिजिबल नहीं है अगर आपको इसमें मज़ीद कलेरिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए फ़ाइनल अथॉरिटी इज़ एफ़ पी एस सी एफ़ पी एस सी की वेबसाइट पर जाएँ उनका यू ए एन नंबर डायल करें और उनसे पूछें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन आप उनसे ले सकते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे हाउ मनी हेड्स ऑफ इनकम अच्छा अब मैं इसमें पहले बता दूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 थाउजेंड वन सेल्स एक्स एक्ट नाइनटीन और एफ ई डी एक्ट टू इस तरह की चीज़ें हैं आ, ये इस टेस्ट के सिलेबस का हिस्सा होंगी और इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह ये एम समझ में आएंगे मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत कि आपको मैं समझा सकूं ये पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी हेड्स ऑफ़ इनकम आर देयर हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस में दिए गए हैं कि पाँच किस्म की इनकम हो सकती है इनकम फ्राम सैलरी इनकम फ्राम प्रॉपर्टी इनकम फ्राम बिजनेस इनकम फ्राम कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्राम अदर सोर्सेस तो ये सेक्शन ट्वेल्व से सेक्शन थर्टी नाइन तक अगर आप मूव करेंगे तो ये तमाम इनकम्स के बारे में ये सेक्शंस में दिया गया है तो द करेक्ट आंसर इज फाइव एफ बी आर के एम एंड टू बंग थ्रू एफ बी आर एक्ट आया था दो हज़ार सात में तो ये आपको याद रखना है ऑर्डिनेंस या कोई इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना इससे पहले था सी बी आर एक्ट था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी फोर तो वो भी आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन वॉज ड्राफ्टड बाई एन ये मुशरफ इरा में एक ऑस्ट्रेलियन को बुलाया गया था उसने ये लॉ बनाया था और ये मतलब एक ऑस्ट्रेलियन की क्रिएशन है ये जो लॉ है उसके बाद से काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स इसमें आती रही हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें की गई हैं और आपको पता होना चाहिए कि हर साल तीस जून से पहले पहले इसमें जो बजट आता है इसमें चेंजेस की जाती हैं फाइनेंस एक्ट के ज़रिए और फिर अगले टैक्स ईयर के लिए हर टैक्स ईयर जो है वो फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है तो अगले टैक्स ईयर के लिए ये नाफिजुलमल होता है इनफोर्सबल होता है टैक्स एक्ट 1990 इज़ सपोर्टेड बाई अच्छा जो सारे लॉज बनाए गए हैं ये एक्ट्स जो हैं सेल्स टैक्स एक्ट है फीडी एक्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है अब ये लॉ मेकर्स मेकर ये लॉज तो बना दिए लेकिन इसमें उन्होंने निटिग्रिटी जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं वो अगर इस लॉ में देना शुरू कर देंगे तो ये लॉ बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस बन जाएंगे बहुत ज़्यादा जगह ले लेंगे ये लॉ जो हैं तो उसके लिए वो अलहदा से रूल्स बना देते हैं उस एक्ट से मुतल तो सेल्स टैक्स से मुतल रूल हैं सेल्स टैक्स रूल्स 2006 इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 उसके अलग उसके से रूल है, रूल्स हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002 अकॉर्डिंग टू, टू। आईटीओ मींस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रॉफिट ऑन डेट फॉर इंडिविजुअल्स कम्स अंडर अ प्रॉफिट ऑन डेट एक टर्म है जो किसी भी चीज़ पर मुनाफे के लिए यूज होती है जैसे बैंक में आप पैसे रखवाते हैं तो उन पर जो आपको मुनाफा आता है इंटरेस्ट आता है मार्कअप आता है उसके लिए इस इस ऑर्डिनेंस में प्रॉफिट ऑन डेट की टर्म यूज़ की गई है किसी भी चीज़ पे आपको मुनाफा आता है तो उसके लिए प्रॉफिट ऑन डेट की टर्म यूज़ की गई है और ये किस में आता है नॉर्मल टैक्स रिजीम फाइनल टैक्स रजीम मिनिमम टैक्स रिजीम ये भी काफ़ी समझने वाली बातें हैं इस एक्ट इस ऑर्डिनेंस में आ, तो यहाँ पर बताना तो शायद मुमकिन ना हो जो चीज़ फाइव हेड्स ऑफ इनकम में आती है वो एन का हिस्सा है उसके अलावा जिस चीज़ पर हम ग्रॉस अमाउंट पे टैक्सेशन कर लेते हैं वो फाइनल टैक्स का हिस्सा है तो अभी के लिए इतना काफी है तो प्रॉफिट ऑन डेट के केस में अगर आपको बैंक से सौ रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है हजार रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पर एक स्पेसिफिक परसेंटेज अप्लाई की जाएगी और उस पर टैक्स निकाल लिया जाएगा उसके लिए टोटल इनकम की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी सो दिस इज एफ ओके डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ बिजनेस इनकम इज एन डैश डिडक्शन डिडक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन दिस ऑर्डिनेंस फॉर एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस को इस ऑर्डिनेंस में डिडक्शन कहा गया है तो डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है या इन एडमिसिबल है या फेयर अनफेयर ये एडमिसिबल है मतलब इसको आप अपने इनकम में से माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम की कैलकुलेशन के दौरान आप इस एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं तो इसको एडमिसिबल कहते हैं डेप्रीसीजिब जिनको टच किया जा सकता है वॉट इज चार्ज इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स जिनको टच नहीं किया जा सकता जैसे पेटेंट्स हैं गुडविल है ट्रेडमार्क लाइसेंसिस इस तरह की चीजें जो विच आर नॉट टचेबल उनको इनटेंजिबल कहते हैं और उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है एमोटाइजेशन की सेक्शन ट्वेंटी फोर में इसका हवाला है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम फ्राम कैपिटल गेंस इज पार्ट ऑफ

डिडक्टिबल अलाउंस में जक़त है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है इस तरह की दो तीन चीज़ें हैं तो इनको जब माइनस करते हैं टोटल इनकम में से तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाती है अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट नाइनटीन नाइनटी एक्सपोर्ट्स आर टैक्सेबल जीरो रेटेड एग्जाम और नन ऑफ द अबव सो एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड सप्लाइज सप्लाइज का मतलब सेल्स जो चीज़ें हम बेचते हैं उनको सप्लाइज कहते हैं और जीरो uh, रेटेड मतलब इन पे टैक्स का रेट जीरो है ठीक है इज़ अ डिफरेंट थिंग। एग्जाम का मतलब कि टैक्स है ही नहीं जीरो रेटेड का मतलब कि टैक्स है, लेकिन उसका रेट जीरो है। सो दैट्स अबाउट इट वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और फॉर वन ऑन वन काउंसलिंग इन ए पेड सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर Uh, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊं फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज और द पीपल हु वांट टू हैव वन ऑन वन सेशन वो इस नंबर पर रबता कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच